पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब शरीर रोगी होता है तो इन पंच तत्वों के संतुलन से ही उस रोग को दूर किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इस पंच तत्व से ही चिकित्सा होती है, बिना किसी औषधि के सेवन के। आज का विषय है गर्म ठंडी सेक या अल्टरनेट फर्मेंटेशन, जिसमें गर्म और ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रयोग से हम शरीर के किसी भी अंग विशेष में यदि दर्द है, उस दर्द को दूर करने में और वहाँ से हम टॉक्सिन्स को निकालने में सफल होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मोहन योगी और स्वागत है आप सभी का आरोग्य गुरु चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको स्वास्थ्यवर्धक वीडियो मिलते रहते हैं, इसलिए निवेदन आपसे है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल में क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। यद्यपि गर्म ठंडी सेक में गर्म पानी और ठंडे पानी का उपयोग होता है, पानी में बिना कुछ मिलाए हुए गर्म पानी और ठंडे पानी के प्रयोग से यह चिकित्सा दे सकते हैं, लेकिन आज के इस चिकित्सा में मैंने गर्म जल में तीन और चीज़ों का प्रयोग किया है जो दर्द में राहत देने में बड़ी लाभकारी होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दर्द के उपचार में इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं अपने घर में कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इस गर्म ठंडी सेक का प्रयोग, देखते हैं इस वीडियो में आगे। यह है निरगुंडी का पौधा, इनके पत्ते हम तोड़ के अलग करेंगे। और इसके बाद दूसरा मैंने लिया, इसको बोलते हैं आँख, ये आँख का पौधा है, इसको मैं सामने ले जा आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। इसके पत्ते मैं तोड़ूंगा, पत्ते मैंने इसके इकट्ठे कर लिए। और तीसरी चीज़ मैं ले रहा हूँ, यह पारिजात या हार श्रृंगार का पौधा, इसके भी मैं कुछ पत्ते ले लूँगा। अब इन तीनों औषधियों के, इन जड़ी बूटियाँ हैं, इनके पत्तों को लेकर के इस देखिए इस डेक में अब हम उबाल रहे हैं। इनको कुछ क्रश कर सकते हैं और उबालने के लिए हमने रख दिया। और तब तक हम इनको उबालें जब तक इनका कलर, देखिए मैं कलर चेक कर रहा हूँ, इसका कलर इस तरीके से पीला आ गया, पीलापन आ गया। देखिए सारे गुण इस जल में आ चुके हैं। इसको हमने एक बर्तन में रख लिया है, ये रख लिया इस बर्तन में, और दूसरा मैंने फ्रिज का ठंडा पानी एक दूसरे बर्तन में रख लिया, ठंडा पानी। अब हम गर्म ठंडी सेक कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले रोगी को लिटा करके, इनके पी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो पहले मैं गर्म कपड़े को इस तरीके से निचोड़ करके गर्म पानी में डिबाया, जिसमें मैंने पत्ते भी उबाले थे, उस पानी को मैंने उबाल करके उसमें निचोड़ा एक मोटे सूती कपड़े को, और पीठ में मैंने उनको रख दिया रीढ़ में, कमर के दोनों ओर, और इसको मैंने एक कपड़े से ढक दिया है। अब 5 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे इसको, और जब 5 मिनट पूरे हो जाएं उसके बाद हम इस कपड़े को हटाएं और अब बदल देंगे इसके स्थान पर जो ठंडा पानी रखा हुआ है उसमें कपड़े को निचोड़ करके अब पीठ में हम ठंडे पानी वाला कपड़ा बिछा देते हैं और इसको भी हम ढक लेंगे। अभी इसको भी हम उतनी देर तक रखेंगे, 5 मिनट तक इस ठंडे कपड़े को भी अब हम पीठ में रहने देंगे। अब दूसरा राउंड हम शुरू करेंगे, दूसरी बार हमने इस कपड़े को, अब गर्म वाला पानी का कपड़ा, इसको फिर से हमने निचोड़ के बिछा दिया है, इसको ढक देंगे इस तरीके से, और 5 मिनट फिर से हम इंतज़ार करेंगे, पीठ में रहने देंगे 5 मिनट तक लगातार। इसको हमने गर्म पानी से शुरू किया, 5 मिनट गर्म, 5 ठंडा, फिर 5 गर्म और फिर 5 ठंडा, इस तरीके से ये 20 मिनट की चिकित्सा हो जाएगी। यह ठंडी गर्म सेक के प्रयोग से रोगी का जो अंग विशेष है वहाँ पर रक्त वाहिनी जो नस नाड़ियाँ हैं वो बारी बारी से फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा शरीर से और विशेषकर उस स्थान से जहाँ पर सेक दिया जा रहा है दूषित पदार्थ वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उसकी जगह नया रक्त जो है, स्वस्थ रक्त, वह रोगी की मरम्मत करने के लिए बार बार वहाँ पर आता है और अंततः उस रोगी को रोग मुक्त कर देता है। यह चिकित्सा
स्थानीय दर्द व सूजन के लिए सर्वोत्तम और रामबाण है। पक्षाघात, शून्य अंग, छाती और पेड़ू का शोथ, बेहोशी, पुरानी फ्यूरिसी, स्नायुशूल, प्लीहा और पेट का फोड़ा, ट्यूमर आदि इन रोगों में इस ठंडी गर्म सेक से बहुत जल्दी आराम मिलता है। यह गर्म ठंडी सेक गर्म पानी से शुरू करना है और ठंडे पानी पर समाप्त करना है। सुबह शाम खाली पेट इस चिकित्सा को आप अपने घर में ले सकते हैं। यदि आपके पास वो पत्ते नहीं हैं जो मैंने इसमें दिखाए हैं तो आवश्यक नहीं है, यदि है तो उसका उपयोग भी करेंगे तो उनके औषधीय गुणों का लाभ आपको मिलेगा। यदि नहीं भी है तो केवल आप गर्म और ठंडे जल का भी प्रयोग करते हैं तो वह आपके दर्द निवारण में बहुत लाभ करेगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा इसको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।